तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मेरी तरह मजबूत और फिट होंगे। पता है ना, अब आपका भाई हमेशा फिट ही रहेगा और फिट रखेगा आप लोगों को। तो दोस्तों, आप लोगों को मैंने आज तक अपना कभी भी घर नहीं दिखाया। चलो, घर तो मेरा हर किसी का होता है, पर मेरा घर मेरा स्वर्ग है। मैं अपने घर को ही स्वर्ग मानता हूँ और मैं अपने घर में हूँ तो मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मुझे क्या किसी को भी नहीं होती दोस्तों। तो चलो आज आप लोगों को मैं अपना घर दिखाता हूँ। ये वाला मेरे घर है जो पीछे दिख रहा है, मतलब मेरा नहीं, मतलब रेंट पे है, हम रेंट पे रहते हैं हम लोग। तो मैं आप लोगों को अंदर से दिखाता हूँ। चलो, ये देखो गेट हमारा, और ऐसा है यहाँ, ये गली है हमारी, और इधर बहुत ही दोस्तों कचरा होता है बाहर। तो मैंने बोला चलो आज आप लोगों को अपने घर का ब्लॉग दिखाते हैं। आप लोगों को कभी भी आज तक मैंने अपना घर नहीं दिखाया। ये देखो दोस्तों, पूरे सब कुछ लगा रखा है इधर, मम्मी और भैया ने पूरे फूल ही फूल लगा रखे हैं। फूलों के साथ दोस्तों खुद को भी फूल बनना चाहिए। और ये है मेरी जान, मेरी ये मेरी जान है, ये भी मेरी गर्लफ्रेंड है, यही है मेरा सब कुछ, भगवान भी यही है, सब कुछ यही है। बहुत ही लव करता हूँ उसको मैं। और बहुत ही जल्द आपके लिए स्टंट वीडियो भी आएंगी, बट स्टंट की वीडियो अभी जब तक नहीं आएंगी जब तक दोस्तों मेरी बाइक की रिपेयर नहीं होगी। तो रिपेयरिंग के बाद आप लोगों को मैं स्टंट की वीडियोज़ भी लाऊंगा। और अपने घर में दोस्तों हमेशा रहते हो ना, तो अपने घर में घर की तरह रहा करो, ठीक है ना? ना कि अपने घर को ऐसे आप लोग बस कबाड़ खाना बना देते हो और कोई क्या कोई क्या। आजकल के ज़माने में तो चलो कोई भी काम करता नहीं है लड़का, पर काम करो या ना करो, बट अपने घर में दोस्तों हमेशा सफाई रखो, ठीक है ना? रूल वाइज रहो, घर में गंद मत डालो। हम लोग ही अपने घर में ऐसा करेंगे तो हम जाएंगे कहाँ फिर? चलो अभी आपको अंदर से रूम दिखाता हूँ मैं, दूसरी तरह एंगल चेंज करके दिखाता हूँ। ये देखो, चलो अभी आपको अंदर लेकर चलता हूँ। ये है दोस्तों हमारा रूम, लाइट जलाकर दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो दोस्तों, स्वर्ग हमारा। तो देखो एकदम मतलब है, साफ सफाई रखी हुई है मम्मा ने और मैंने। होया कीजे पिंडा वाले जट नखरो कहीं दे सानू पे। ऐप्स भी दिखा दिए ना अभी आपको। तो चलो, जैसे कि हम लोग अपने बाथरूम को बना देते हैं, अपने बाथरूम में बाथरूम करते हैं, उसके बाद बाथरूम में कभी भी पानी नहीं डालते। तो हमेशा दोस्तों कभी भी बाथरूम करना है ना, तो बाथरूम में पानी डाला करो। सबसे मनहूस इंसान वही होता है और सबसे गंदा इंसान जो अपने घर में बाथरूम करने के बाद पानी ना फेंके। और अपने कपड़े वगैरह भी दोस्तों वहीं पे रखा करो जहाँ पे रखते हो। ये नहीं कि बिस्तर में फेंक दिए, इधर फेंक दिए, उधर उधर फेंक दिए। और ये है दोस्तों आपके भाई का राजमहल, देखो। ये मेरी ब्लॉगिंग किट है, ये मेरा ब्लॉगिंग का सेटअप है, और ये मैं धूप टिक्का करता हूँ जो है उधर मंदिर है। ये रूम में भी करता हूँ और उधर मंदिर में भी करता हूँ। मंदिर का भी अभी आपको दर्शन करवाऊँगा। तो ये देखो, और ऐसे यहाँ से बाहर का भी दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा। और ये ऐसे स्टोर टाइप में है हमारा। तो वही है बोलने का मतलब दोस्तों, आजकल के ज़माने में घर वालों को भी पता नहीं होता कि हमारा घर है, हम अपने घर में कैसे रहें, कैसे अपने घर को हैंडल करेंगे, कैसे ना करें, कैसे बच्चों को देखें बच्चे, और बच्चों को कैसे हैंडल करें, और बच्चे भी अपने घर को कैसे देखें। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि अपने घर में हमको क्या क्या सफाई रखनी पड़ती है, क्या नहीं रखनी पड़ती है। वो आप लोगों ने आज तक कभी करी नहीं होगी दोस्तों, जो बाद में आप लोगों को बताऊंगा। और वो इंसान सबसे मनहूस होता है जो अपने ही घर में गंद डालता है। अपने घर में साफ सफाई रखो, झाड़ू पोछा आप लोग भी करो, बर्तन धो लो, बट आप लोग कुछ करके ही नहीं राजी। ये देखो, ये हॉल है, सामान सारा अपना ही है दोस्तों, जितना भी है यहाँ पे सामान सारा अपना ही है हमारा। बस रूम घर रेंट पे है, 5,000 है इसका किराया, 5,000। ये हमारा डाइनिंग टेबल है, ये फ्रिज,
बापूजी देखते हैं, बापूजी तो गायब ही हो गए। अरे है ही नहीं कोई भी, मैंने तो सोचा बापूजी होंगे इधर। तो अभी तो आप लोगों के भाई ने दोस्तों अपना स्टाइल भी चेंज कर दिया है। तो ये दोस्तों मेरे मेन मंदिर लक्ष्मी माता जी के दर्शन करो, सभी के ऊपर है माता रानी, हर किसी के ऊपर दयावान रहो जो आपकी आपको सच्चे दिल से याद करे। हे भोलेनाथ जी, भोलेनाथ सबके साथ, मणि महेश काटे क्लेश। और ये देखो आपके भाई की औकात, ये देखो, ये देखो, ये मेरी दीदी है, मेरी दीदी डॉक्टर हैं, ये आपके भाई की ही हैं सभी, ये भैया की है, बाकी जो ट्रॉफीज हैं ये सारी मेरी ही हैं। तो दोस्तों आपका भाई, आपको पता है ना कैसे इतने इतने बड़े ड्रग एडिक्शन से निकला हूँ मैं। तो अभी आप लोगों को भी मैं मोटिवेट करता हूँ। और दोस्तों मेरा बहुत ही बड़ा एक एम है, मैंने सोचा रखा है अपने कि मैं अपने इंडिया में, अपने पंजाब में बहुत ही बड़ा एक नशा मुक्ति केंद्र बनाऊंगा। बट दोस्तों ऐसे नहीं थोड़ी बन जाएगा, सोच रखी है तो बना के भी बताऊंगा दो साल के अंदर अंदर, 3 साल के अंदर अंदर, जिसमें दोस्तों हम लोग उन लड़कों को मतलब वहाँ पे भर्ती करेंगे जो कि मतलब अपना नशा छोड़ना चाहते हैं, और उनसे कोई भी फीस चार्ज नहीं करी जाएगी, फ्री में होगा दोस्तों। और देख जो किसी के, अगर किसी के घर वाले छोड़, जैसे मतलब कि किसी के बच्चे ने छोड़ दिया, अमीर है घर वाले, तो वो अगर अपनी तरफ से कुछ इच्छा, अपनी इच्छा से दे दें तो वो बात अलग होगी। आने वाले टाइम में दोस्तों मैंने बहुत ही बड़ी मतलब सोच रखी हुई है। तो आप लोग सपोर्ट किया करो दोस्तों, जितने भी लोग देखते हो सब्सक्राइब किया करो, वीडियो को शेयर किया करो दोस्तों, कमेंट करा करो, सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूर किया करो ना, तभी दोस्तों मैं बहुत ही जल्द तभी जल्दी होगा। जितनी जल्दी आप लोग सपोर्ट करोगे उतनी जल्दी होगा दोस्तों। जितने मेरे पास पैसे आएंगे मैं उनके लिए लगाऊंगा, उसमें हर एक फैसिलिटीज़ होगी उनको, बेचारे नशेड़ियों के लिए जो बेचारे अपना नशा छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे पठानकोट क्या, पूरे इंडिया में इतना बुरा हाल है, मैंने अपने पठानकोट में रोज़ देखता हूँ दोस्तों, मुझसे नहीं देखा जाता। किसी की भी माँ माँ दोस्तों जब रोती है, उसके बेटे उसकी बेटियाँ दोस्तों, लड़कियों को मैंने देखा, अभी भी दोस्तों पठानकोट में हमारे इतना बुरा हाल है, लड़कियाँ बेचारी, मैं बोलता हूँ दोस्तों 200-400, 100-200 रुपये के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे दोस्तों हमारे दो देश में रहने का को कोई फायदा नहीं, थूकना पसंद करूंगा साला मैं ऐसे सिस्टम के ऊपर। हर किसी को अब नहीं छोड़ूंगा दोस्तों, मैं किसी को भी नशे के ऊपर मेरी पूरा बोलूंगा, अभी मैं जितना मुझसे हो सके उतना बोलूंगा, चाहे कोई भी आ जाए दोस्तों। तो जैसे अभी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मैं नशे के खिलाफ खड़ा रहूंगा जिंदगी भर, मरने तक, मरने दम तक, और मैं एक अपना नशा मुक्ति केंद्र जरूर बनाऊंगा अपने देश में, अपने पंजाब में सबसे बड़ा बनाऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता छोटे से शुरुआत करूंगा, और इसमें कोई चार्ज नहीं होगा, और उनमें हर उन लोगों को हर फैसिलिटी मिलेगी, हर तरह की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मिलेंगी, हर तरह की फैसिलिटी होगी दोस्तों उसमें, कि ताकि हम लोग, मैं उनके साथ रहूंगा, उनको कोचिंग करूंगा, उनको फिजिकली फिट करूंगा, माइंडली स्ट्रोंग करूंगा उनको दोस्तों, और उनको उनका लेवल अप करवाऊंगा, और उनको बाहर निकलवाऊंगा दोस्तों। अपने भाई जितने भी हैं दोस्तों, ऐसे भाई बहन दोस्तों, बहुत ही रोना आता है मेरे को जब मैं उन लोगों को देखता हूँ दोस्तों, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ऊपर से वो दवाइयाँ चला दिए, चलो उसको मैं कुछ नहीं बोलता, पर सिस्टम के ऊपर दोस्तों मेरे को बहुत गुस्सा आता है, जो सिस्टम है ना हमारे देश का। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तो किसी को भी नहीं छोड़ूंगा दोस्तों, मैं किसी को भी नहीं, बस आप लोग सपोर्ट करो। आप लोग सपोर्ट करोगे तो देखना फिर आपका भाई क्या करता है क्या नहीं करता है, फिर आप लोग देखना। टैलेंट यार आपके भाई में इतना है, स्टंटिंग करता हूँ, पेंटिंग करता हूँ, फिजिकली फिट हूँ पूरा, और रैप रूप करना शुरू करूंगा मैं, अभी रैप भी ऐसा करूंगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा वाला शायरी वगैरह भी लिखूंगा, और आप लोगों के लिए मोटिवेट वीडियो ऐसी लाऊंगा दोस्तों जो आप लोग आज तक किसी ने मोटिवेट ऐसी वीडियोस मोटिवेट वीडियोस नहीं बनाई होगी। बस आप लोग सपोर्ट करो। तो आज आप लोगों को मैंने अपना घर दिखा दिया ना, अब घर दिखा, अब कल आग कल परसों आपको घर में, घर का ब्लॉग आएगा कि हमको अपने घर में किस तरह रहना चाहिए, किस तरह साफ सुथरा रखना चाहिए, और हम लोग अपने ही घर में मनहूस कैसे बन जाते हैं। सबसे बड़े मनहूस लोग हम ही होते हैं दोस्तों, जो अपने घर को दोस्तों बुरी चीज़ें लाते हैं, मतलब कि जैसे हम गलत काम करेंगे कुछ भी, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलो दोस्तों बाय बाय, बहुत ही गुस्सा है मुझको, तो चलो दोस्तों बाय बाय,
स्माइल करने के लिए दोस्तों, दिल नहीं कर रहा फिर भी स्माइल कर रहा हूँ। मुझको सिर्फ एक चीज़ का दुख है दोस्तों, मैं छोड़ूँ, मैं चाहे मर भी जाऊँ कोई बात नहीं, मैं दोबारा भी लग जाऊँ नशे पे, कुछ नहीं चाहता मेरे को। बट मेरे सामने दोस्तों कोई ऐसे रोए ना कोई, मैं बहुत रोज ही देखता हूँ दोस्तों कितने लोग बेचारे ऐसे रोते हैं। तो उन लोगों को दोस्तों फ्री में अगर कोई फैसिलिटीज मिले, उनके साथ रोज रहे, उनको उनके साथ खेले, उनके साथ उनको गाना गुना सुनाए, उनको उनको इधर उधर घुमाए पार्क में अच्छी तरह से, उनको मतलब कि गाइड करे, तो दोस्तों सब कुछ होता है, क्यों नहीं होता है। मैं करूँगा, आपके सामने करके बताऊँगा। तो चलो ठीक है, बाय बाय, ज़्यादा ना बोलूँगा अभी मैं तो, मेरे को गुस्सा बहुत आ रहा है। बाय बाय, अभी इसके बाद सभी आप लोगों को गुस्सा ठीक ठाक ही दिखेगा मेरा। तो बाय बाय दोस्तों, जय माता दी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।